मध्य प्रदेश के परासिया थाने के अंतर्गत खिरसदोह बाईपास में मोटरसाइकिल सहित 55 लीटर कच्ची शराब बेच रहा था कि मुखबिर की सहायता से आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। बहुत दिनों से शिकायत पुलिस को प्राप्त थी, पर बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई, जिसको पुलिस ने आरोपी के ऊपर 34/2 की धारा लगाकर न्यायालय भेजा। परासिया मध्य प्रदेश से सुमित कहार की रिपोर्ट। मैं वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले में पूर्ण रूप से अवैध शराब की बिक्री, सट्टा, युवा के अपराधों में प्रतिबंध लगाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिनके निर्देशन में सभी थाना चौकियों के कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। कल दिनांक 21/10/19 को रात्रि में ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ग्राम रैयतवाड़ी से एक मोटरसाइकिल पर काफ़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब लेकर आ रहा है, जो सिरसाडोह बाईपास तरफ से जाने वाला है। सूचना पर हमरा स्टाफ के थाना मोबाइल वाहन से सिरसाडोह बाईपास किराए पर जाकर प्रतीक्षा की गई। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात एक लाल सिल्वर कलर की हीरो होंडा फैशन प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक 7433 पर एक व्यक्ति दो नीले रंग की प्लास्टिक की केन के अंदर कच्ची शराब भरी सीट के पीछे नायलोन की रस्सी में बांध कर लटका कर लेते जा रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर सुरेश ध्रुवे, पिता रविंद्र ध्रुवे, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम क्षेत्र का रहने वाला है और हाल में बाईपास तिराह पर परिवार सहित रहता है। सर, आरोपी एक ही था क्या? आरोपी एक ही था और उसके कब्जे से मिली हुई संपूर्ण अवैध शराब 55 लीटर कीमती 5500 रुपये की बरामद जब्त कर आरोपी के विरुद्ध में धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है और घटना में प्रयुक्त आरोपी की मोटरसाइकिल एवं नायलोन की रस्सी भी जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है और इसी तरह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि थाना क्षेत्र में इस प्रकार की अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए।